हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कर। और मेरा नाम अली रजा। तो भाई लोग, आज की वीडियो का टाइटल है अतीक मर्डर। ये अतीक भाई साहब वो हैं जिनका रिसेंटली मर्डर हो गया था, वो भी लाइव, मतलब कैमराज के सामने, पुलिस के मतलब चारों तरफ प्रोटेक्शन में भी उनका मर्डर हो गया। तो ये पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में इसकी मतलब बड़ी न्यूज़ चल रही है और हमें भी लोग बोल रहे हैं कि भाई आप रिएक्शन दो। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो पता चला कि वो अतीक अहमद बहुत पुराना गैंगस्टर था। इस वजह से मतलब वो बहुत सालों से जेल में भी था, तो जब उसको इलाज के लिए लेकर गए तो रास्ते में उसका काम तमाम हो गया। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है और पुलिस के होते हुए मर्डर हो गया तो क्या कह सकते हैं। बाकी इंडिया में जो हिंदू लोग हैं बड़ा खुश हो रहे हैं इसके पीछे के हो गया गैंगस्टर था। तो इसमें हम तो ये कहेंगे कि रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर हिंदू या मुस्लिम कोई भी अगर उसने कोई गलती की, गुनाह किया है, तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। बाकी लाइव मर्डर हो गया है, इसके बारे में देखते हैं अभी ये रौनक भाई साहब क्या बता दें, फिर लास्ट में आपको अपना रिएक्शन भी देंगे। अरे भाई 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 भाई, ये यूपी में चल क्या रहा है बॉस? अभी अतीक के लौंडे असद के एनकाउंटर पर बने मीम्स की राख भी ठंडी नहीं पड़ी थी कि किसी ने अतीक और उसके भाई अशरफ की कनपटी पर गोली मारकर उनको भी जहां से रुखसत कर। बाप रे, जिस तेजी से माफिया डॉन मारे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइव शूटिंग देख रहे हैं। हालत ये है कि मुख्तार अंसारी जरा 2 मिनट बाथरूम में ज्यादा क्या लगा दे, बाहर से लोग नॉक नॉक करके पूछते हैं कि फ्रेश हो रहे हो क्या, निपट गए। आलम यह है कि लोग गुड्डू मुस्लिम से भी उसका टोकन नंबर पूछ रहे हैं कि भाई तेरा नंबर कौन सा। मगर जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी अतीक और उसका मासूम भाई पुलिस हिरासत में मार दिया गया, उस पर तमाम तरीके की बातें हो रही है। कुछ लोग इतने बड़े माफिया की मौत पर बूंदी बांट रहे हैं, तो कुछ इसे कानून व्यवस्था का मजाक बता रहे हैं, तो कुछ लोग कानून व्यवस्था को मजाक बताने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अतीक की पिलाई पर इतनी छाती कूट रहे हैं कि मानो कोई माफिया डॉन नहीं, सहारनपुर में सिंघाड़े बेचने वाला कोई गरीब रेड़ी वाला मार। तो आइए आज के इस फंतंत्र के वीडियो में हम इसी रुदाली गैंग के सिंगाड़े लगाते हैं। तो शुरू करते हैं इन्हीं छाती कूटों का फन काउंटर। तो दोस्तों हुआ ये कि शनिवार रात 10:30 का वक्त था, तभी भारत के मशहूर गजल गायक अतीक अहमद और बेले डांसर अशरफ लाइव परफॉर्मेंस देने भारी सुरक्षा के बीच एक ऑडिटोरियम में जा रहे थे। तभी इनकी कला से ईर्ष्या रखने वाले रवांडा घराने के 3 बदमाश पुलिस के सामने ही इनको मार देते हैं। खबर मिलते ही पूरा देश दोनों महान कलाकारों की मौत से सदमे में डूब जाता है। रो रोकर लोगों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि उनकी हंसी ही नहीं रुकती। लोगों का मूड इतना खराब होता है कि उन्हें आधी रात में फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर करना पड़ता है। वो इतने गहरे सदमे में चले जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि पिज्जा के साथ कोक ऑर्डर करना था या पेप्सी। सच पूछे तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के जाने से इस देश के विज्ञान, खेलकूद, कला, संस्कृति, संस्कृति की बहन बिपाशा और बिपाशा के बॉयफ्रेंड को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पूर्ति हम कैसे करेंगे। दोस्तों मैं ये बातें फिर भी हल्के फुल्के तरीके से कह रहा हूं, मगर कुछ लोग सच में ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कोई बांसुरी वादक मारा गया। मानो एक ऐसे इंसान की हत्या हुई हो जिसकी सारी जिंदगी कबूतर को दाना डालते भी, जो बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाकर बलून फुलाता। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए, मगर एक माफिया डॉन की मौत पर इतने आंसू भी तो न बहा दो कि लगे पुलिस फायरिंग में यूनेस्को का कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता मारा गया। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि किसी भी लोकतंत्र में अपराधी को कानून के हिसाब से ही सजा मिलनी चाहिए, मगर यह भी सच है कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी कानून का मजाक बनाए रखा, जज भी जिसके सामने भीगी बिल्ली बने घूमते हो, जिसे 40 साल तक किसी एक मामले में भी सजा न हुई हो, जिसने न जाने कितने ही लोगों की हत्या करवाई हो, कितनों की जमीनें हथियाई हो, ऐसा आदमी कैसे भी अपने अंजाम तक पहुंचता है तो लोगों को तसल्ली होती है। अगर आप ऐसे माफिया की मौत पर राहत महसूस कर रहे आम आदमी को कानून का पाठ पढ़ाएंगे तो उसे इस बात का भी हिसाब देना पड़ेगा कि यही कानून उसे इतने सालों तक सजा क्यों नहीं दे पाया। उसे यह भी बताना पड़ेगा कि वो कानून कहाँ गया था जब भाई की हार से गुस्सा होकर अतीक ने राजू पाल पर गोलियां चलवाई। गोलियां ही नहीं चलवाई, ये अश्योर करने के लिए कि वो बच ना जाए अस्पताल में जाकर उस पर फिर से गोलियां चलाएगी ताकि वो बच ना जाए। अतीक की मौत में कानून की मौत देखने वालों को ये भी बताना होगा कि कैसे इतना बड़ा माफिया 5-5 बार विधायक बन गया, जो इंसान सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं है, कैसे वो आदमी देश की संसद में पहुंच जाता है। जिस आदमी ने खुद सारी जिंदगी कानून का पालन नहीं किया वो खुद सांसद बनकर कानून बनाने वाला बन जाता है। मजाक अतीक की मौत नहीं, मजाक अतीक का अतीत है। मजाक ये है कि एक अपराधी बेखौफ होकर सारी जिंदगी दूसरों की जमीन हड़पता रहा और कोई उसका कुछ नहीं करता।
मैं फिर से दोहराता हूं कि ये सब बातें कोई वजह नहीं हो सकती कि किसी अपराधी को मार या मरवा दिया जाए, मगर ये भी सच है कि जब अतीक जैसे अपराधी इस कानून की खामियों का फायदा उठाकर बार बार बचते रहें तो लोगों का भी उस कानून से भरोसा उठता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता कि उसका जो हश्र हुआ वो कानून के हिसाब से हुआ या नहीं, उन्हें बस इस बात की तसल्ली होती है कि उसका वो हश्र हुआ जो होना चाहिए। आप कहते हैं कि अतीक पर मुकदमा चलता, उसे कानून के हिसाब से सजा मिलती तो वो ज्यादा अच्छा होता। बेशक हम तो कह ही रहे हैं कि वो अच्छा होता, मगर ये देखते हुए कि इस देश में सालों साल ऐसे मामले आगे बढ़ते ही नहीं है, इस बीच सरकारें बदल जाती हैं, क्या पता यूपी में भी 2-3 साल में सरकार बदल जाती। जिन लोगों के साथ मिलकर अतीक पहले पॉलिटिक्स करता रहा है, अगर वो सत्ता में आ जाते तो क्या गारंटी है कि उस पर चल रहे मुकदमे रातों रात तक रुक नहीं जाते, वो जमानत लेकर बाहर नहीं आ जाता, बाहर आने पर गवाहों को डराने और धमकाने नहीं लगता, फिर से चुनाव लड़कर MP MLA नहीं बन जाता। और ऐसा होता जो कि होता ही है तो उससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता। और आज उसकी मौत पर छाती कूटने वाले तब क्या ये सोचकर खुद को तसल्ली देते कि क्या हुआ, आदरणीय अतीक जी कानून की मम्मी दीदी करके एक बार फिर से बच निकले, कम से कम ये पुण्य आत्मा आज हमारे भी जीवित तो है, शुक्र है उन्हें मरवाया नहीं गया, वरना ये देश एक महान विभूति से हाथ धो बैठता। कमॉन अबे भूती के। और जो मैं कह रहा हूँ ये कोई मजाक नहीं है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग इस देश की पॉलिटिक्स को समझते हैं वो ये जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो एक एक बात सच हो सकती थी, इसलिए आज वो अतीक और उसके भाई की मौत पर राहत महसूस कर रहे हैं। अब देखिए जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में चीज़ें सीधी साधी तब चलती हैं जब सामने वाला भी सीधे साधे तरीके से चले। पर्सनल संबंधों में कोई आपकी इज्जत करेगा तो आप उसकी इज्जत करेंगे, कोई आपको प्यार देगा तो आप भी उसका सम्मान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई आपके साथ बदमाशी करे, घाग बने और इतना परेशान करे कि उसका होना ही आपके लिए खतरा बन जाए। जब बात आपकी जिंदगी पर बनाती ना तब आपको भी हर हाल में उस आदमी से पिंड छुड़ाना ही हो। मतलब जिस अपराधी ने सारी जिंदगी पुलिस वाले अपनी जेब में रखे हों, गवाहों को धमकाया हो, जजों को डराया हो, राजनीति को अपनी रखेल बनाकर रखा हो, जो जेल में बैठे बैठे लोगों की हत्याएं करवा देता हो, आपको लगता है कि वो आदमी चुपचाप जेल में बैठकर फांसी पर लटकने का इंतजार करता? और साबरमती जेल में रहते हुए उमेश पाल का मर्डर करवाने के पीछे भी तो उसकी यही सोच थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उमेश पाल की गवाही से न पलटने से उसका खौफ कम हो रहा। यही सारे रीजन है कि आम आदमी की इस बात में दिलचस्पी ही नहीं है कि अतीक और उसके भाई पर हमला करने वाले कौन थे, उनका मोटिव क्या था। उनके लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि जिस आदमी ने 40 साल तक प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में अपना आतंक फैलाया आखिरकार वो मारा गया। कैसे मारा गया, किसने मारा, ये जानने में आम आदमी का कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर उसे ब्लैक पैंथर ने मारा हो या नोबिता ने, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हत्या करने के बाद उनमें से कुछ लड़के जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और इससे कुछ लोग डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हत्या करके वो एक वर्ग को संदेश देना चाहते हैं। देखिए पहली बात कि कोई भी धार्मिक नारा क्यों लगा रहा है ये तो लगाने वाले बता सकते हैं, क्योंकि अतीक के मर्डर के पीछे कोई धार्मिक एंगल तो था ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि इस तरह धार्मिक नारा लगाकर हत्या करने वाले खुद ही धर्म के नाम पर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुसंख्यक वर्ग में किसी ने भी ऐसे नारेबाजी को पसंद किया। देखिए मैं इस वीडियो में छठी बार दोहरा रहा हूँ कि कोई भी सभ्य समाज किसी का मर्डर करके उसे सजा देने के तरीके को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मगर हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि ये बात जानने के बावजूद क्यों इतने लोग अतीक के इस हश्र पर खुश हो रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। ये सिस्टम पर तो सवाल खड़े करती है, साथ ही ये भी बताता है कि जब अपराधी अतीक जैसा हो तो लोगों को सिर्फ उसके हश्र से मतलब होता है, वो हश्र कैसे हुआ, किसने किया, इससे कोई फर्क नहीं होता। और इस वीडियो में चलते चलते मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन पंक्तियों को बिना इससे अग्री या डिसअग्री हुए शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के सेंटीमेंट्स यही है। कहते हैं तरीका तो भीष्म को मारने का भी गलत था, तरीका वो भी गलत था जिससे द्रोण को मारा गया, जिससे कर्ण के प्राण लिए गए, जिससे दुर्योधन को मारा गया। तरीका गलत हुआ तो क्या, मरने वाले भी तो गलत थे। एनकाउंटर असली हो या नकली, लादेन का हो या अतीक के बेटे का, उनका हिसाब जरूरी है। पापियों को नीति, नियम, धर्म, मर्यादा, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही सब कहा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएं कि बात तो ठीक कही है कि उसने अगर गलत किया है। जल्दी मिलते हैं यहां पर एक और वीडियो। यार कानून के मुताबिक सजा मिलती तो ठीक था, लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा गुनहगार था, उसका बैकग्राउंड इतना टाइट है कि जेल में बैठे बैठाए लोगों को मारता था, तो उसकी सज़ा मुकद्दर में ये लिखी हुई थी। लेकिन फिर भी यार ये सवाल होते हैं कि पुलिस के होते हुए उसको गोलियां लग गई तो ये इंडिया में यार इशू है। फिर तो यार कोई भी बाहर निकलने से डरेगा कि पुलिस के सामने गोलियां लग रही है, तो फिर हम तो समझ रहे थे इंडिया सेफ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है,
उनके होते हुए इनको गोलियां लगी है, ये थोड़ा समझ से बाहर है हमारे यार। भाई देखो ना, पुलिस इतनी नफरी थी पुलिस की, जब उन तीन लोगों ने उसको गोलियां मारी, फिर भी अदालत में उसका फैसला होना चाहिए कानून के तहत, उसको ऐसे नहीं रोड पर मार दी कोई। फैसला भाई आता ही नहीं है ना, वो जजों को डराते हैं ना, धमकाते। भाई देखो ना, ये आपका और मेरा है तो हम लोग कहते रहते हैं, तो जजों को डराते रहते हैं, वो हमें नहीं पता, वो जज को पता तो है, जो गवर्नमेंट को पता है। 15 साल से सजाएं सुनाई हुई तो इनको नहीं मिल रही ना, 10-15 साल से भाई। भाई आज ये देखो ना, ऐसा मसला हुआ है कि कल भी फिर भी ऐसा होगा दंगा, तो आज मुस्लिम को मार दिया, कब कल कोई मुस्लिम हिंदू को मार देगा तो फिर ये क्या होगा, मतलब ये रुकनेगा नहीं ना फिर। और इसके बेटे को भी मार दिया गोली से भाई, एनकाउंटर में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट है वो जागे। ये अभी ये ऐसा होगा कि कानून बन गया तो पुलिस वाले सब खामोश रहेंगे, लोग आएंगे जिसको दिल कहेंगे ठोकेंगे। हाँ भाई, भीड़ में। अब तो ये भी तो सोचो ना, उनको 10-15 साल से सजा मिली हुई थी तो इनको क्यों नहीं मिलती, जो इनके खिलाफ गवाही दे रहा था उसको धमका रहे थे। आपको पता है? हाँ, मैंने जितनी जानकारी हासिल की है ना वीडियोस में, मैंने देखा है कि भाई जो केसेस चल रहे थे। हाँ, कैसे तो जो गवाही दे रहा था ना भाई, अभी वो डट गया था, मैं नहीं है पीछे हटूंगा, वो उसके भाई कोख में ये आ गया भाई। तो यार ये तो भाई बड़ी बात नहीं भाई, ऐसे नहीं। बात ये कि भाई ये कोई भी था उसको सजा कानून देता ना तो अच्छी बात थी, वरना अगर जो भी कोई ऐसा गुनाह करेगा ना, लोग बोलेंगे यार बस गन निकालो और उसको मार के आते हैं, बात खत्म। अगर कानून इसमें आगे बढ़ता तो लोगों का भरोसा बढ़ता कानून पर, यार कानून है। लेकिन अभी ये उत्तर प्रदेश में इंडिया में ऐसा हुआ है, बाकी हम तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया इससे बेहतर फैसले करे और जो भी गुनाहगार है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको उसको कानून सजा दें। बिल्कुल, बाकी अतीक और उसके बेटे को सजा मिली तो यार हम नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड कैसा था, उसके बारे में कोई हमें सबूत वगैरह नहीं है, वो तो मीडिया ऐसा बोल रहा है, इंडियन मीडिया। तो ये थी आज की वीडियो, हमें भी थोड़ा बहुत पता चला, बाकी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।